दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसा क्या करें कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह साल का पहला चंद्र ग्रहण है, 10 जनवरी को लगने वाला है, जो रात 10:37 से 11 जनवरी को रात के 2:42 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण की अवधि 4 घंटे 1 मिनट की होगी। यह ग्रहण भारत के साथ साथ यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा। दोस्तों, एक बात और है, 2020 में कुल 5 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से 3 चंद्र ग्रहण होंगे और 2 सूर्य ग्रहण होंगे। दोस्तों, देखते हैं चंद्र ग्रहण के समय क्या करें क्या ना करें। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के समय किसी को भी सोना नहीं चाहिए, कंघा ब्रश बाहर नहीं जाना चाहिए, चांद को भी नहीं देखना चाहिए, सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य को नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा करने में कोई भी हानि नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब मैं बताऊंगी आपको कि ग्रहण के दौरान मोक्ष की प्राप्ति कैसे आप कर सकते हैं। दोस्तों, मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए ये पल शुभ होते हैं। मोक्ष की कामना रखने वाले के लिए इस पल को बहुत ही शुभ मानते हैं, क्योंकि इसके बाद माघ महीने की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि चंद्र ग्रहण के दौरान किसी सरोवर में स्नान किया जाए, सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।